नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेर और आज वीडियो में मैं आपको चार धमाकेदार फोन्स का बैटरी चार्जिंग टेस्ट दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में चार्ज होता है। हालांकि सबकी चार्जिंग स्पीड अलग है और जो आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिलता है वो भी सबका अलग अलग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर दिखाई देगा। पर यहाँ पर एक जो रेगुलर यूज़र है उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जब वो फ़ोन खरीदे, जो चार्जर आपको उसके साथ मिले, वो फ़ोन कितना इफेक्टिव है, चार्जिंग कितनी जल्दी होती है और जो चार्जर भी है वो कितना ज़्यादा काम का है। तो एक यूज़र वही चाहता है, कोई भी ऐसा यूज़र नहीं होता जो स्पेसिफिकली यू नो बाहर से ज़्यादा पावरफुल चार्जर लेके आता है। कुछ होते होंगे पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो बॉक्स के अंदर चार्जर मिलता है उसी के साथ काम चलाने लगते हैं। तो ये वीडियो उनके काफ़ी काम आने वाला है, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो। यहाँ पर मैंने रखा है आईफोन 11 प्रो, ये है OnePlus 7 प्रो, ये है Huawei P30 प्रो और ये है गैलेक्सी नोट 10 प्लस। चार्जिंग स्पीड भी अलग है और बैटरी भी अलग है। iPhone 11 Pro में आपको मिलती है 3046 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। OnePlus 7 Pro में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Huawei P30 Pro में मिलती है 4200 mAh की बैटरी, ये 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और Note 10 Plus में मिलती है 4300 mAh की बैटरी, ये 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस चार्जिंग टेस्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन बाजी मारता है चार्जिंग के मामले में और कौन सा फ़ोन पीछे रह जाता है। तो यहाँ से मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ और मैं चार्जिंग भी ऑन कर देता हूँ। सारे फ़ोन की चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OnePlus की तो 1% बैटरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई और Huawei 2% पे आ गया। चलिए अब थोड़ी देर देखते हैं कि कौन सा फ़ोन आगे निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 मिनट हो चुके हैं और अभी हम एक बार देख लेते हैं कि 30 मिनट में कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। आईफोन की अगर बैटरी देखें तो 56% चार्ज हो चुका है, जबकि यहाँ पर OnePlus 7 Pro 59% चार्ज हुआ है। Huawei P30 Pro 71% सबसे ज़्यादा जल्दी चार्ज हुआ है और अगर हम Note 10 Plus की बात करें तो 66% है। तो यहाँ पर आप बैटरी देख सकते हैं सबकी, कौन सा फ़ोन जल्दी चार्ज हो रहा है। अभी सबसे पीछे हम देखेंगे तो आईफोन माना जाएगा, 57% हुआ है आधे घंटे में। OnePlus 59 था, अब 60 हो गया है, मतलब आधे घंटे में 60% हुआ है। Huawei P30 Pro 71% सबसे ज़्यादा, 72% हो गया इतनी देर में। और Note 10 Plus 67% पे आ चुका है। तो यहाँ पर जो है Huawei P30 Pro सबसे तेज़ी से चार्ज हो रहा है और मुझे लगता है कि और आधे घंटे में ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स फुल चार्ज हो जाएंगे। पर वेट करते हैं कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में चार्ज होता है। यहाँ पे उसी का टेस्ट चल रहा है, फुल चार्ज कौन पहले करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Huawei P30 Pro 1 घंटा 5 मिनट में फुल चार्ज हो चुका है। इसलिए यहाँ से मैं इसका ये चार्जर निकाल देता हूँ और इसे हटा देता हूँ। और अगर हम बाकी फ़ोन्स को देखेंगे तो उनका क्या रेट रहता है चार्जिंग स्पीड का, वो भी हम चेक कर लेते हैं। Huawei P30 Pro 1 घंटा 5 मिनट फुल चार्ज हुआ है, 1 घंटा 5 मिनट में आईफोन जो है वो 88% हुआ है। OnePlus 7 प्रो जो है वो 95% हुआ है और अगर हम Note 10 Plus की बात करें तो 96% हुआ है। अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में Note 10 Plus और OnePlus 7 Pro में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस था चार्जिंग का। Samsung 67% के आसपास था और OnePlus 60% पे था, पर अब दोनों में सिर्फ 1% का डिफरेंस रह गया है और आईफोन भी अच्छी स्पीड पकड़ चुका है, 88% हो चुका है। तो विजेता कौन है? विजेता है ये फ़ोन, यानी Huawei P30 Pro जो कि 1 घंटा 5 मिनट में फुल चार्ज हो चुका है, इसलिए चार्जिंग मैंने इसकी निकाल दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कौन आता है, कौन जीतता है और कौन इस गेम को आगे एंड तक पहुँचाता है, यानी हारता कौन है इसमें, वो देखते हैं। अब बात करें यहाँ पे सेकंड विनर की, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि Samsung Galaxy Note 10 Plus 100% हो चुका है,
जबकि जो इसका क्लोज कॉम्पिटिटर था वो वन प्लस सेवन प्रो था और वो 96% पे अटका हुआ है। तो इसलिए यहाँ से मैं सैमसंग को बताता हूँ, 1 घंटा 8 मिनट पे सैमसंग जो है वो फुल चार्ज हो चुका है। और अगर हमने देखा वन प्लस सेवन प्रो तो वो 96% पे है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी अच्छी बात है नोट करने वाली कि जो सैमसंग है उसके चार्जर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो बॉक्स चार्जर है वो लगभग 25 वॉट का है, जबकि वन प्लस सेवन प्रो का जो बॉक्स चार्जर है वो 30 वॉट के आसपास है। और यहाँ पर हम इसकी बैटरी भी देख लेते हैं आईफोन की, 90% चार्ज हो चुका है आईफोन। तो अब ये दोनों बचे हैं, आई एम श्योर के यहाँ पर वन प्लस ही लीड करेगा, पर देखते हैं कि कितनी देर में वन प्लस फुल चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन प्लस सेवन प्रो भी पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, 1 घंटा 16 मिनट पे 100% हो गया है। तो जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर आईफोन ही सबसे आखिरी में आएगा और वैसा ही हुआ, 1 घंटा 16 मिनट पे आईफोन कितना है वो भी देख लेते हैं। तो 94% है 1 घंटे 16 मिनट पे आईफोन, जबकि तीनों फ़ोन पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं। अब देखते हैं कि आईफोन कितनी देर लेता है फुल चार्ज होने में। तो आप देख सकते हैं कि आईफोन भी अब फुल चार्ज हो चुका है, इसलिए अब इसकी भी ये जो पूंछ लटकी हुई है जो केबल है चार्जिंग की उसे हम निकाल देते हैं। और अब टोटल देखते हैं टाइम क्या हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट में आईफोन फुल चार्ज हुआ है। तो सबसे पीछे आईफोन ही रहा क्योंकि 18 वॉट की चार्जिंग है तो पीछे रहेगा ऑब्वियसली बात है, पर बैटरी भी 3000 mAh है। तो कुछ तो मेरे ख्याल से प्रोग्रेस करनी चाहिए आईफोन को। इसको भी हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं टाइमर को। और टोटल अब देखा जाए तो विनर है Huawei P30 Pro जो कि 1 घंटा 5 मिनट में फुल चार्ज हुआ था। सेकंड नंबर पे है Samsung Galaxy Note 10 Plus जो कि 1 घंटा 8 मिनट में फुल चार्ज हुआ था। देन आता है OnePlus 7 Pro जो कि 1 घंटा 16 मिनट में चार्ज हुआ था। और उसके बाद है iPhone 11 Pro जो कि 1 घंटा 40 मिनट में फुल चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी कितनी है और चार्जिंग स्पीड क्या है। अब आप अपने हिसाब से अपने लिए एक राइट फ़ोन चूज़ कर पाएंगे जो कि जल्दी चार्ज होता है। और अगर आप इन फ़ोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करके बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको इनका ड्रेन टेस्ट भी दिखा सकूं। ये फिलहाल बैटरी चार्जिंग टेस्ट था, आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठोको लाइक्स और वीडियो को शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।